हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। देखो मैं आज क्या बनाया, देखो ये है दाल, पीस के रखा मैंने, बाटा पे पीसा दाल है, चावल है, इसमें मैंने इसको भिगो के रखा था, फिर इसको पीस के देखो इसमें प्याज, अदरक, लहसुन, प्याज सब कुछ की पेस्ट इसमें दिया मैंने। फिर इसको छोटा छोटा पकौड़ा ताड़ेंगे, इसके बाद इसको आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी आलू के साथ। और मैंने चावल बनाया और रोटी बनाया, क्योंकि मेरे को चावल बगैर पेट भरता है नहीं। दिन में एक टाइम तो मेरा रोज चावल बनाती हूँ, और रस्तीपुरा के लोगों को तो चावल के बगैर पेट ही नहीं भरता। मैं तो यहाँ हरियाणा में है ना, रोटी खाती है, मैं चावल खाती हूँ तो इनको अजीब लगती है। नू बोलता है, ऐसे बोलता है कि अरे ये तो चावल खाती है, पर है ना मेरे को चावल बगैर पेट नहीं भरता। रोटी खाती हूँ ना जब ऐसे लगती है कि मैं कुछ खाया नहीं आज। एक टाइम तो मैं रोज चावल बनाती हूँ। और हमारी है ना, जब से हम छोटा से बड़ा हुआ है, जब से हमने देखा तो हमने चावल ही खाया, क्योंकि चावल से हमारे पेट भरता है। रोटी खाती है हमारी घर पे भी, सुबह के टाइम खाती है, और दोपहर को भी चावल खाएगा, शाम को भी चावल खाएगा, सब्जी खाएगा, तीन चार प्रकार की सब्जी रोज बनेगा हमारे घर पे। पर या तो मैं एक टाइम ही बनाती हूँ चावल दोपहर को, वो भी कभी कभी बनाती भी नहीं हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ क्योंकि मन करता है ना उस दिन, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और आज मैं तो ये पकौड़ा ताड़ूंगी अभी, देखो जब भी मैं दोनों चीज़ बनानी पड़ता है, क्योंकि मैं चावल बगैर मेरा पेट भरता है नहीं, मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ। क्या कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं चावल खाती है, तो भाई हम जहाँ रहते हैं ना हम चावल ही खाया करते। अभी हरियाणा में आने के बाद तो यहाँ के लोग ये खाती है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पेड़ पौधा बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने इसको लगाया गिलोई की बेल है। देखो मुझे है ना ये बेल देखने तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे घर पे तो हर चीज़ का पेड़ मिल जाएगा, लीची का, आम का, कटहल का, हर चीज़ का, पर यह कुछ नहीं मिलता। देखो मेरा बेल कितना बड़ा हो रही है, ये मैंने लगाया इसको। अब इसको देखती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे को ऑक्सीजन देता है ये बेल, देखो। और ये देखो, ये नीचे भी मैंने घास लगा के रखा है, देखा यहाँ पर, देखो ये घास मैंने लगाया, क्योंकि मेरे को घास बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधे, क्योंकि हमारे इधर सिर्फ पेड़ पौधा बहुत मिलता है, या हरियाणा में सिर्फ बिल्डिंग मिल जाएगा आपको हर तरफ से, दीवार दीवार दीवार। देखो मेरे ये है ना, ये खिड़की पे लगा, सारा खिड़की पे आ गया ये बेल, मैंने लगाया था। अभी बारिश का मौसम है ना, इसके लिए ये बहुत बड़ा हो गया है ना। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को। और कितना अच्छा लग रहा है, देखो मेरा बेटा है, हेलो बोलो बेटा, ये मेरा है, ये हमारी स्कूल का है। देखो मेरा बेटा लेके घूम रहा है, ये स्कूल का है मेरा, रखो। अभी हमारी पढ़ाई और यहाँ का पढ़ाई में भी अलग है, क्योंकि हमारी सारी भाषा बांग्ला में बोलते हैं, एक इंग्लिश में है, या एक इंग्लिश में और सारा हिंदी में है, फिर भी मैं समझ जाती हूँ भाई क्या लिख रखा है, क्योंकि हमारी दो साल तक है ना हिंदी पढ़ाया करती है, सेवन क्लास में और एट में, दो क्लास में हमें हिंदी पढ़ने मिलती है, जब मेरे को मतलब हिंदी आती है तो ये करती हूँ। और यहाँ के लोग तो ऐसे बोलते हैं ये तो चावल खाती है, पर मेरे को चावल वगैरह पेट भरता ही नहीं है। कहाँ घर जाती हूँ, दो तीन साल में कभी कभी जाती हूँ, तो घर जाती हूँ तो ऐसा लगता है भाई मेरी नई ज़िंदगी मिल गया मेरे को। घर जाने के बाद खाना आराम से मिले, बहन के घर चली जाती हूँ, माँ बना लेती है, पर यह तो अपना सच पूछो कभी कभी खुद बना के खाने का जी नहीं करता यहाँ। अभी मैं चावल बनाती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, फिर मैं हम बैठ के खाते माँ बेटे। तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, और आप देखा करो कि ये त्रिपुरा की लड़की हरियाणा में क्या क्या करती रहती है। भाई आप लोग कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मैं हमेशा दिखाऊंगी मैं यहाँ क्या करती हूँ, ताकि त्रिपुरा की लड़कियों को भी अच्छा लगे हरियाणा में आए, और भी है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो।